हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर एट होम गार्डन। देखिए, मेरे घर में ये पपाया उगा है। मैंने पपाया लगाया था, कितना अच्छा प्लांट में ही पका है। और ये मैंगो शेप का है। इसका एक इसमें कुछ पपाया ऐसा हुआ है जैसे कि मैंगो है, बिल्कुल मैंगो शेप का हुआ है। देखिए इसका शेप, आप देख के समझ सकते हैं कि पूरा मैंगो शेप का है। देखिए ये छोटा भी और बड़ा वाला पपाया भी पूरा मैंगो शेप का हुआ है, और कलर भी वैसे ही पका है। पूरे प्लांट में बहुत सारे पपाया इसी तरीके से लगे हुए हैं। आपको मैं दिखाऊंगी, इसका प्लांट भी दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से पका है ये, और पूरे प्लांट में ही पका है, नो केमिकल, पूरा ऑर्गेनिक है ये। ऑर्गेनिक चीज़ खाना चाहिए घर में, इसीलिए पपाया या कुछ भी प्लांट आप लगाइए ज़रूर लगाइए। पपाया तो बहुत आसानी से लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है। मैं इसका प्लांट आप लोग को दिखाऊंगी कि कितना सारा लगा है। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है, और बहुत मीठा पपीता, बहुत टेस्टी पपीता है, और बहुत मीठा है, मीठा बहुत ज़्यादा है। देखिए ये इसका प्लांट है, और इसमें कितने सारे पपाया लगे हैं। देखिए ये पपीते का बहुत बड़ा प्लांट है, इसमें बहुत ढेर सारे। और मैंने ऐसे ही जो पपाया घर पे लाते हैं खाने के लिए, मैं उसी का ही बीज लगाई थी। तो देखिए कितने अच्छे से हो गया है, और देखिए ये पक भी रहा है। देखिए कितना बड़ा पपाया है और ये पक रहा है, और इसमें बहुत सारे मैंगो शेप के लगे हुए हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए ये पीला हो रहा है, हल्का हल्का पक रहा है। देखिए ये सारे पपाया लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे। और देखिए ये मैंगो शेप के हैं। देखिए ये अभी छोटे हैं, दूर से समझ में नहीं आ रहे, फिर भी इसमें आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला, ये पूरा मैंगो शेप का है। देखिए ये ऐसे पपाया शेप के भी हैं, लेकिन मैंगो शेप के ज़्यादा है। पता नहीं कि उसमें ऐसे ही शेप आया है सब पपाया में। और जो घर में खाने के लिए लाते हैं उसी से आप भी लगा सकते हैं इसको, बीज को कलेक्ट करके। देखिए इतना हेल्दी प्लांट है ये मेरा। और कुछ नहीं, मैं इसमें घर की बनी खाद डालती हूँ, किचन वेस्ट की। और अभी तो ठंड है, तो इसमें सबसे अच्छा है कि सरसों खली के लिक्विड खाद बना के आप डालिए। यही सबसे ज़्यादा मैं अपने प्लांट में डालती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पपाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आप लोग भी घर पे लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो खाने के लिए लाते हैं घर में फ्रूट, उनकी बीजों से लग जाता है। खासकर पपाया तो बहुत आसानी से लगता है। देखिए ये मेरे टेरेस गार्डन है, और इसमें भी देखिए जो घर में मिर्च लाते हैं, मोटी मिर्च खाने के लिए, उसी में से मैंने मिर्च का बीज निकाल के, जो एक लाल हो गई थी, पक गई थी, तो उसी का बीज निकाल के मैंने इतने सारे प्लांट मैंने सीड्स ग्रो किए हैं, और बहुत सारे अलग भी किए हैं। ये मैंगो ये बैगन का प्लांट है, ब्रिंजल, तो इसका भी मैंने वैसे कि जो पहले जो मैंने ब्रिंजल लगा था घर पे, उसी का एक ब्रिंजल सुखा के और उसी के बीज से मैंने बहुत सारे प्लांटेशन किए सीड्स को लगा के। और देखिए कितने सारे प्लांट हो गए मेरे पास। और ये गाजर है, देखिए ये गाजर, तो इसका बीज तो मैं मार्केट से लाई थी, और इसमें भी देखिए बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, और इसमें गाजर भी हो रही है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और ये इस गमले में भी मैंने लगाई, ये मेरे टेरेस पे है, और गमले में भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं। देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है टमाटो की, और छोटे छोटे टमाटर लग भी गए हैं। देखिए कितने अच्छे से सारे गमले में है मेरे, और सब में मैं वही अपना घर का किचन वेस्ट की खाद डालती हूँ, और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ सरसों खली का। देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों हो रहा है, और मैं इसके हार्वेस्टिंग भी आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरी बीन्स है, बीन्स का प्लांट है, इसमें भी छोटी छोटी बीन्स बहुत सारी लगी है। देखिए कितनी सारी बीन्स लगी हुई है, इसको हम हार्वेस्ट भी कर लेंगे। देखिए ये कितनी सारी छोटी सी इसमें प्लास्टिक के पॉलीथीन में मैं लगाई हूँ। देखिए और थोड़ी सी मिट्टी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन किचन वेस्ट खाद है इसमें। और देखिए ये जैसे बीन सूख गई है, अब इसका बीज भी मैं निकाल के लगा दूँगी। देखिए इसको भी मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, एक बीन अच्छे से सूख गई है, तो इसको निकाल के और फिर इसमें का बीज फिर से डाल दूँगी। देखिए ये वाला तो फिर से हो जाएगी, मैं आप लोग को बताऊँगी भी कि मैंने इसका सुखा के किस तरीके से लगाया और प्लांट कैसे हुआ है, ये भी दिखाऊंगी। पहले और सूखी थी फलियाँ, एक दो मैं छोड़ देती हूँ बीन्स को, ताकि उसमें सीड्स कलेक्ट हो जाए और फिर से काम आ जाए। तो देखिए इस छोटी सी पॉलीथीन में कितनी सारी बीन्स लग जाती है। घर में खाने लायक की बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हो जाती है,
अब ठंड का मौसम है, नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे मेरे ग्राउंड में ज़्यादा नहीं आ रही है धूप, तो मैंने सब छत पे ऐसे टेरेस पे मैंने लगाए पॉलीथीन में लगा लगा के। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें हो जाती है बीन्स, कोई भी सब्ज़ी हो जाती है बहुत सारी। देखिए मैंने आपको टमाटो भी दिखाई, देखिए और तोड़ेंगे अंदर भी है, और देखिए ये निकलते जा रही है, देखिए छोटे से पॉलीथीन में। और खाद तो सबसे अच्छी लिक्विड खाद रहती है, और आप सॉइल मीडिया बहुत अच्छे से बनाइए, इसमें गोबर खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, और घर के बनी किचन वेस्ट खाद डालिए, और लगाइए इसमें कोई भी सब्जी लगाइए, उसके बाद में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से हो जाती है, और भी है देखिए, दिख रही है, देखिए इसको भी तोड़ लेंगे, पूरी हार्वेस्ट कर लेंगे, और देखते हैं क्या क्या है। देखिए और मेरा प्लांट कितना अच्छा ग्रीन और कितना हेल्दी है, देखिए छोटी छोटी और लग रही है, इनको छोड़ देते हैं फिर ये बड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छी टेस्ट में भी बहुत अच्छी और मीठी रहती है घर की सब्जियाँ। देखिए इसमें भी दूसरा गमला है ये मेरा, इसमें भी मैंने बीन्स लगाए, देखिए कितनी अच्छे से हुई है, देख के इतनी खुशी मिलती है घर की सब्जियाँ, और हार्वेस्ट करने में तो और बहुत मज़ा आता है। आप लोग लगाइए और पूरा 100% ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाइए, कुछ तो हम जहरीली सब्जियों से दूर रह सकते हैं घर में लगा के खा सकते हैं, कुछ तो हम कम कर सकते हैं अपना केमिकल बाहर का, और ऑर्गेनिक अपने घर में ही लगा के हरी ग्रीन सब्जियाँ खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, घर में सभी को खिलाइए, और ख़ुद भी खाइए, हेल्दी रहिए। आप लोग भी ऐसे ज़रूर लगाएं। देखिए इसमें फ्लावरिंग आ रही है, फिर इसमें बीन्स लगेगी, एक बार जब आप तोड़ लेते हैं देखिए छोटी छोटी और लग रही है, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद में आप खाद ज़रूर डालिए, या कंपोस्ट डालिए थोड़ी सी, या कंपोस्ट की भी लिक्विड खाद बना के डालिए। और अभी तो ठंड का मौसम है, तो सबसे अच्छा है कि सरसों खली की लिक्विड खाद डालिए, वो थोड़ा गर्माहट देती है पौधों को, और हेल्दी रहते हैं पौधे, ठंड से भी बचते हैं, और जो ओस गिरती है रात की उससे भी इनका बचाव होता है। देखिए इसमें हरी मिर्च लगी है, सब मैंने गमले में ही लगाए हैं, छोटे छोटे गमले हैं 12 इंच के पॉट हैं, तो ये इन सब पॉट में भी हो जाती है सब्जियाँ, बस आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी आप अच्छी बनाइए तो उसमें सब होता है, और बहुत मज़ा आता है। देखिए ये सब तोड़ लेंगे, देखिए मेरा कितना अच्छा प्लांट है, और मिर्च भी कितनी अच्छी हुई है, चिली देखिए कितनी ग्रीन है, और बहुत टेस्टी है, मार्केट की और घर की सब्जियों में टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, आप लगा के और उसके बाद उसको खा के देखिए, देखिए कितनी अच्छी भी है मेरी हरी मिर्च है ये। और भी देखिए ये अब ग्राउंड फ्लोर का है, ये मेरा ग्राउंड में लगाई हूँ मैंने इसको ब्लू फ्लावर, इसकी मैं टी बनाती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, और बहुत टेस्टी टी बनती है, बहुत हेल्दी होती है, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर जाता है, इसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग भी लगाइए, ज़रूर लगाइए। और देखिए ये कितना अच्छा हुआ है, मैं छोटी सी जगह में लगा दी हूँ नीचे, और दूसरे प्लांट पे मैंने इसको चढ़ा दिया है, फिर भी ये हो रही है, और बहुत अच्छी है ये ब्लू टी बनाने के लिए, ये फ्लावर बहुत अच्छा है ब्लू बटरफ्लाई फ्लावर। देखिए ये वही मेरा पपाया है जो मैंगो शेप में है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत मीठा है, देखिए पूरा शेप मैंगो का है। ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।